हम नूर परस्त आदमी हैं, हजर इमाम के नूर की पूजा करते हैं। जो नूर हजर इमाम का नूर है, जिसको इमामत का नूर कहते हैं, मोमिनों वही अल्लाह है। ये शनाख्त जब हमारे दिल में होती है, हम जब इस चीज को समझते हैं, तो हमारे मन की आंखें खुल जाती हैं। हकीकती समझ इस बात का नाम है, इसी चीज को कहते हैं हकीकती समझ, कि इमामत का जो नूर है वही खुदा है, उसी की हम पूजा करते हैं। हजर इमाम का शरीर पीर के जौमे की तरह है, हजर इमाम का शरीर पीर की तरह है। जब इमाम हमारे अंदर आता है तो साहिबी ज्योत के साथ पीरी ज्योत होती है। रखी खाता है, पीता है, बोलता है, हिरता फिरता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, और तुम कहते हो कि ये खुदा है। अरे बस ये चीज बीच में आ जाती है कि एक इंसान कैसे हो सकता है। हम भी कहां कहते हैं कि इंसान खुदा है, हमने कभी कहा इंसान खुदा है? हम इस्माइलियों ने कभी कहा कि इंसान खुदा है? हम उसको इंसान कहते ही नहीं है। इंसान माने तो वो खुदा हो ना, हम तो उसके नूर की पूजा करते हैं। तो इमाम कौन है, इस परख को अच्छी तरह से तपास के समझ के फिर प्रेम के साथ उसकी पूजा करो, उसके पांव पड़ो, उसकी फरमान मानो, उसका हुक्म मानो, और उसके हुक्म के ऊपर आमीन कहो। कि दीन और दुनिया का बादशाह है, फिर पीर उसका खुलासा करते हैं, तेने जानी ने तमे ओळखो, रे वो यही दयाल, ये रहीम, दयाल यानी दया करने वाला, रहीम जिसको कहते हैं अरबी भाषा में, उसकी सेवा करो। हरता फरता बोलता आदमी की तरह हिल चाल करता है, जाहिर में आदमी जैसा लगता है, इंसान जैसा, लेकिन वो मदन गोपाल का रूप है। गोपाल कहते हैं पालने वाले को, जो कि ये शब्द श्री कृष्ण के लिए लगाया गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो गऊ का पालने वाला था। गोपाल कहते हैं आपकी सृष्टि को पालने वाला, जिसको अरबी के अंदर रब कहते हैं। रब का मतलब है पालनहार।